लास्ट 10 डेज रिमेनिंग फॉर एम एच लॉ सी ई टी 3 ईयर्स 2023 एग्जामिनेशन. सो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दी कंप्लीट टाइम टेबल, कंप्लीट प्लानिंग पार्ट आई विल बी गिविंग यू, और डेली बेसिस पे अपने को क्या क्या करना है. ठीक है. सो अगर आपने जस्ट पढ़ाई चालू की है, पार्शली पढ़ाई आपकी हुई है, मॉक में अगर आपका स्कोर 70-80 के आसपास जा रहा है, तो आप जो जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं. बट उसके पहले, जितने लोग का मोटिवेशन डाउन है, बैटरी डाउन है, चार्ज और बैटरी फॉर नेक्स्ट रिमेनिंग डेज. सो अभी 10+ डेज बचा हुआ है एग्जाम को लेकर के, तो मैं 10 डेज का प्लानर दे दे रहा हूँ, कंप्लीट टाइम टेबल, हर दिन आपको क्या क्या करना है. ठीक है. सो अपना टारगेट है 120+ आउट ऑफ 150 अगर अपने को GLC, ठीक है, या तो फिर ILS में एडमिशन चाहिए तो. सो ये वीडियो अच्छे से देखो और ये वीडियो शेयर कर दो आपके सारे फ्रेंड लोग को, जितने लोग CET 3 ईयर्स लिख रहे हैं एंड दे आर स्ट्रगलिंग इन द स्कोर. एंड नथिंग कैन मोटिवेट यू मोर देन दिस गाइज. GLC में अपना एडमिशन हो गया है, ठीक है, या तो फिर ILS पुणे में अपना एडमिशन हो गया है. नथिंग कैन मोटिवेट यू मोर देन दिस. सो नेक्स्ट जो 10-12 दिन बचे हुए हैं उसमें इतनी मेहनत करो कि अपना स्कोर आ जाए अच्छा, और ये कॉलेज में अपने को फॉर श्योर एडमिशन मिले. ठीक है. ऑल राइट. नेक्स्ट इज वॉट टू डू ऑन डेली बेसिस. तो स्टैटिक GK मैंने ऑल टाइम बोला है, पॉलिटी वाला पार्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पे ज़्यादा स्ट्रेस रखना, बिकॉज इस साल स्टैटिक GK क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे. 6 मंथ का करंट अफेयर्स अगर आप कर रहे हो, मोर देन सफिशेंट, तो अक्टूबर से लेके अप टिल मार्च. ठीक है. तो मैनूवर के डैशबोर्ड पर सारे वीडियोस दिया हुआ है, गो थ्रू ऑल द वीडियोस. 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली बेसिस पे सॉल्व करना है अपने को, डेली मॉक टेस्ट लिखना है, प्लस उसकी एनालिसिस अच्छे से करनी है विदाउट फेल. कंसेप्ट एंड रिवीजन पे डेली बेसिस पे काम करो, इतना काम आपको डेली बेसिस पे करना है. ओके. सो आगे का जो प्लानर मैं देने वाला हूँ, दैट इज़ विथ रिगार्ड्स टू योर फुल कोर्स 3 ईयर्स CET को लेकर के, जिसके अंदर वीडियोज, हैंडआउट्स एंड मॉक, ये लगेगा आपको नेक्स्ट 10 डेज पढ़ाई को लेकर के. तो अगर आप मेन्यूअर के स्टूडेंट हो वॉचिंग दिस वीडियो, तो आपके पास एक्सेस ऑलरेडी होगा. बट इफ यू डोंट हैव दिस सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, सो यू कैन टेक इट फ्रॉम दी मेन्यूअर वेबसाइट, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. यू कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम, जिसके अंदर आपके वीडियोज, हैंडआउट्स एंड मॉक होंगे. आई वॉन्ट सारे वीडियो को कम से कम आप 2 टाइम्स देख लो. एंड अगर आपके पास ई बुक होगी मेन्यूअर की या बुक्स, इससे क्वेश्चन 20 से 30 क्वेश्चन अपने को प्रैक्टिस करना है. ठीक है. और अगर आपकी पढ़ाई हो गई है, आपको लग रहा है मेरा सिर्फ GK में प्रॉब्लम है, या तो लॉजिक में प्रॉब्लम है, या तो लीगल में, तो सेक्शनल प्रोग्राम यू कैन चेक इट आउट. और सब कुछ करके हो गया, लग रहा है कि यार मुझे सब आता है, तो फिर टेस्ट कर लो अपने आप को. 20 मॉक का प्रोग्राम एंड 10 मॉक का प्रोग्राम, दोनों वी बोथ दी प्रोग्राम वी हैव लॉन्च एंड टॉपिक टेस्ट. सो एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन लॉग ऑन टू दी manuvalu.com/law entrance एंड यू कैन चेक आउट दी प्रोग्राम्स. कुछ डाउट क्वेरी है, यू कैन कॉन्टेक्ट आर टीम ऑन दिस नंबर. सबका डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने पूरे 20 मॉक नहीं लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई वॉन्ट ये पूरे मॉक का GK का सेक्शन एंड लीगल का सेक्शन, ये आप गो थ्रू कर लेना, बिकॉज एग्जाम में हाई चांस है डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो. रिसेंटली MCA और MBA CET एग्जाम में हुआ था कि मेन्यूअर के मॉक से एंड जो टीचिंग कंटेंट है वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए थे. ठीक है. तो ये मेक श्योर पूरा मॉक न लिख के होगा, पूरा मॉक लिख के आपका नहीं होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये आपको करना है, लीगल एंड GK के क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेना है विदाउट फेल. ओके. ओके, दिस इज व्हाट द टाइम टेबल. प्लीज पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू दिस टाइम टेबल. नंबर एंड लेटर सीरीज, यहाँ से आपके 5+ क्वेश्चन मिनिमम आने वाले एग्जाम में. अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स गो थ्रू करना है. ठीक है. इसमें week 1, week 2, week 3, week 4 4 वीडियोज़ होंगे, उसको देख के ख़त्म करो. स्टैटिक GK, हिस्ट्री गो थ्रू करना चालू कर दो. इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लीगल में कॉन्ट्रैक्ट और मॉक लिखो. डेली बेसिस पे अपने को मॉक लिखना है. ठीक है. फिर क्रिटिकल रीजनिंग हो गया आपका, नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स, स्टैटिक GK, हिस्ट्री. तो हिस्ट्री को हम 2 दिन में ख़त्म करेंगे. तो आपके मेन्यूअर के पोर्टल पे पहले वीडियो देख लो और हैंडआउट्स गो थ्रू कर लो हिस्ट्री को लेके. ठीक है. एंड करंट अफेयर्स को लेके सिर्फ वीडियो ही देख लो, बिकॉज अभी टाइम कम बचा होगा, बट अगर टाइम मिलता है तो एटलीस्ट हैंडआउट्स भी गो थ्रू कर लेना. ठीक है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कॉन्ट्रैक्ट, मॉक 2, अल्फाबेट टेस्ट, यहाँ से क्वेश्चन 3 to 5 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन दी एग्जामिनेशन. अच्छे से करके जाना है टॉपिक. दिसंबर मंथ का करंट अफेयर्स, स्टैटिक GK, पॉलिटी. ठीक है. ग्रामर रूल, टॉट्स, मॉक 3. कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ पे भी 3 to 5 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट. जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स, स्टैटिक GK, पॉलिटी, रेडिटेक्शन इंग्लिश, टॉट्स, मॉक 4.
सिलोजिज्म, फैब वन का करंट अफेयर्स, स्टैटिक जी के ज्योग्राफी, फिल इन द ब्लैंक्स, आईपीसी, मॉक फाइव। तो ये फर्स्ट 5 डेज का प्लानर है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू दिस टाइम टेबल। डे 6 रैंकिंग, क्लॉक एंड कैलेंडर, एक एक क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। मार्च मंथ का करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, स्टैटिक जी के, पैराग्राफ जम्पल, कॉन्स्टिट्यूशन, मॉक 6। डे 7 अरेंजमेंट, लीनियर सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन। ये वीडियो देख लेना मेनूअर के ई बुक्स में, सिटिंग अरेंजमेंट में वाले टॉपिक में जाना, ठीक है। उसके अंदर जितने भी सेट दिए उसको 2 बार सॉल्व कर लेना विदाउट फेल। यहाँ से रफली 5 to 10 क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। रिविज़न स्ट्रैटेजी जीके, ठीक है। तो जितना आपका करंट अफेयर्स हो गया उसको पूरा रिवाइज कर डालो 6 मंथ का। एंटोनियम सिनोनियम स्पेल चेक, कॉन्स्टिट्यूशन, मॉक 7। डायरेक्शन ब्लड रिलेशन, एक एक क्वेश्चन, तो 2 to 3 क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट। रिविजन स्टैटिक जीके इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस जो टॉपिक है स्टैटिक जीके का उसको गो थ्रू कर लो। सेंटेंस करेक्शन, मिसलेनियस मॉकेट, इनइक्वालिटी क्लासिफिकेशन, अगेन आपको स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स को लेकर 1000+ क्वेश्चन का बूस्टर है, उसको क्वेश्चन को गो थ्रू कर लो। रिविजन मिसलेनियस टॉपिक ऑफ लीगल, मॉक 9, एंड डे 10 में इनपुट आउटपुट के ईजी लेवल के क्वेश्चन देख लेना, एनोलॉजी, मिसलेनियस, रिविजन एंड मॉक 10। ये आपका 10 डेज का प्लानर है। अगर आप दिन में 2 मॉक लिख सकते हो वेल एंड गुड, अगर टाइम नहीं है तो 10 मॉक तो आपको लिखना ही है विदाउट फेल, ओके। तो ये टाइम टेबल शेयर कर दो आपके सारे फ्रेंड्स को जितने लोग सीईटी एग्जाम्स लिखने वाले हैं, सो दैट दे कैन फॉलो दिस टाइम टेबल एंड स्टार्ट देयर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली। सो फ्रॉम योर मेन्यूअर फुल कोर्स प्रोग्राम ऑल द वीडियो लेक्चर जितने भी हैं, 20 आवर्स में आपका जीके हो जाएगा, इंग्लिश 9 आवर्स में, लॉजिक 15 घंटे में, लीगल 6 आवर में, टोटल 50 घंटे में आपका पूरा वीडियो देख के हो जाएगा। सो आई वॉन्ट ये पूरे वीडियो आप 2 बार देखो कम से कम, ठीक है। ऑल्सो वाइल यू आर वॉचिंग द वीडियो टी कॉफ़ी लेते रहो, थोड़ा फ्रेश रहो, टू अवॉइड द हंगर, स्नैक्स चिप्स खाते रहो, म्यूजिक वगैरह कुछ पसंद है तो वो सुनो टू अवॉइड द बोर्डम। लोड टेंशन लेके पैनिक होके प्रिपरेशन नहीं करनी है, चिल माइंडसेट से पढ़ाई करो, पेपर में आप अच्छा करोगे फॉर श्योर। जो जो मैंने बताया है टॉपिक पे स्ट्रेस देने के लिए उस पर ज़्यादा वर्कआउट करो, ठीक है। सो एज आई ऑलवेज से लाइट काइट विल टच द स्काई, अप्लाई योर ऑल द विल एंड स्किल फॉर GLC मुंबई एंड IELTS पुणे कॉलेजेस। All right, so now let me guide you about the full course program for the 3 years. Log on to the official website of Manuver, go to buy online law entrance. यहाँ पे आपको full course दिखेगा 3 years को लेके। This is what a program I'm talking about. इसके अंदर सारे videos हैं, handouts हैं, mock है, which is sufficient. 2 बार ये videos को आपको देख के ख़त्म करना है, ठीक है। Likewise, if you'll go back, ये full course के साथ आपको e-books लगेगी practice के लिए, so e-books या बुक्स जो भी आपके पास है, बुक्स ऑर्डर करोगे तो 7 दिन लगेंगे, तो इट्स बेटर गो फॉर ई बुक्स एक्सेस, ठीक है। और अगर आपका पढ़ाई करके हो गया है तो मॉक लिखना चालू कर दो, 20 मॉक प्रोग्राम, एंड लग रहा है कि पूरे मॉक नहीं हो पाएंगे तो 10 मॉक प्रोग्राम, बट आई रिकमेंड जितने भी 20 मॉक है जितने लिखते 10 मॉक तो मिनिमम लिखो, बाकी का आप लीगल एंड GK वो क्वेश्चन देख लो, बिकॉज वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आने के हाई चांस है, ओके। और अगर सेक्शन कोई वीक है आपका तो लीगल, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, यू कैन चेक इट आउट। तो इन सब का लिंक मैंने फुल कोर्स बुक सेक्शनल मॉक का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो, नेक्स्ट 10 डेज गिव यू 100%, इट इज 10 डेज बैटल, एंड शॉर्टली वी विल कम अप विद द फ्लाइंग कलर। 120+ हिट करेंगे अपन आउट ऑफ 150, या तो फिर CET में टॉप मारूंगा, ये माइंड सेट्स, ये एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करो आपकी। बाकी 24-25 को लेके वी हैव लॉन्च बैचेस एट आर ऑल द सेंटर। अगर आप मुंबई बेस हो, एनी ऑफ योर फ्रेंड और रिलेटिव वॉन्ट टू ज्वाइन, यू कैन विजिट आर सेंटर बोरेली, वसई, दादर एंड थाने। जितने लोग सेंट्रल लाइन में, यू कैन विजिट थाने सेंटर। लाइव क्लास के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट आर टीम ऑन दिस नंबर, एंड डू कलेक्ट योर 50% कैशबैक वाउचर, विच इज़ नथिंग बट योर स्कॉलरशिप कार्ड। सो ऑल द इन्फॉर्मेशन आई हैव मेंशन योर डिस्क्रिप्शन, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर MS Law CET 3 years 23 examination. ऑल द बेस्ट, थैंक यू।